9th अगस्त 2020 को संपन्न हुई बीएड प्रवेश परीक्षा से लंबित शेष परीक्षाओं का भी आगाज हो चुका है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जहां एक ओर अपने क्लास प्रमोशन को लेकर निश्चिंत हैं, वहीं दूसरी ओर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंतित। तो चलिए इसी सीनेरियो के रिगार्डिंग क्या है महत्वपूर्ण एंड रिसेंट अपडेट जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में, इस कंटेंट में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट है, तो प्लीज दोनों अपडेट को देखना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं। CSJMU के 7 लाख छात्र अगले 3 दिन में हो जाएंगे प्रमोट। छत्रपति शाहू जी महाराज CSJMU व इससे संबद्ध महाविद्यालयों के करीब 7 लाख छात्र छात्राएं अगले 3 दिनों में प्रमोट हो जाएंगे। कमेटी ने इसके मानक लगभग तय कर लिए हैं। अगले 2-3 दिन में कमेटी के सदस्यों की परीक्षा नियंत्रक संघ बैठक है जिसमें अंतिम मुहर लग जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल भी तैयार कर लिया है। हालांकि इसमें अभी परीक्षा समिति की मोहर लगना बाकी है, इससे बदलाव संभव है। नेक्स्ट वन, CSJMU की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। नए फैसले के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कुलपति के निर्देश पर प्रमोट करने का मानक तय करने के लिए कमेटी बनाई थी। इसमें अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सभी डीन व कानपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ कोटा के अध्यक्ष डॉक्टर VD पांडे हैं। डॉक्टर VD पांडे ने कहा कि प्रमोट को लेकर अंतिम बैठक होनी है, अगले 2 दिन में बैठक में सब तय हो जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 अगस्त से अंतिम वर्ष की परीक्षा का नया शेड्यूल तैयार किया है। हालांकि इसमें अभी काफी बदलाव संभव है। एग्जाम नहीं तो डिग्री नहीं, तो ये है हमारी सेकंड लेटेस्ट अपडेट जो सेकंड ईयर के रिगार्डिंग है, फाइनल ईयर एग्जाम के रिगार्डिंग है। प्लीज इसे भी कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट वन, पहले हम इसके हाइलाइट्स देख लेते हैं कि 30 सितंबर को फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का यूजीसी ने दिया था निर्देश, और 6 जुलाई को ये गाइडलाइन आई थी कि जो सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को भेजी थी, और इसी गाइडलाइंस के खिलाफ 31 छात्रों ने यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ दी थी याचिका, और जिसकी क्या कहें सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना का हवाला देते हुए सभी परीक्षाएं कर दी हैं कैंसिल। तो चलिए इसी को हम थोड़ा डिटेल में कंफर्म करते हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं कराने के राज्य सरकारों के फैसले पर UGC की 2 टूक। देश भर की यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने की मांग के मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में UGC ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के परीक्षा नहीं कराने के फैसले पर सवाल उठाया है। तो आप जैसा कि आप जान सकते हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा बना हुआ था, और अभी भी फिलहाल स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। इन दोनों राज्यों ने कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी में परीक्षा नहीं करवाने का फैसला किया था। UGC का कहना है कि राज्य को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान UGC ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि UGC ने कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। परीक्षा को लेकर फैसला करने का अधिकार केवल UGC को है, क्योंकि UGC ही डिग्री देती है, और इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। नेक्स्ट वन, देखते हैं क्या है मामला। UGC ने देश भर की यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का निर्देश दिया था। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई थी, जिसका कई राज्य विरोध कर रहे हैं। UGC के फैसले के खिलाफ 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कोरोना को लेकर छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षा आयोजित नहीं करने की गुजारिश की गई है। अब हम देखते हैं कि इस गुजारिश और इस याचिका के रिगार्डिंग UGC की क्या दलील है। पिछली सुनवाई में UGC ने कहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद, प्लीज ध्यान दीजिएगा, छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि
ताकि छात्रों की अगले साल की पढ़ाई में विलंब ना आए और उनका समय बर्बाद ना हो। किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए, किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है। छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए। प्लीज सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान दीजिए, देर हो रही है लेकिन परीक्षा अवश्य होगी, और परीक्षा ना भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉलेज और स्टडी और एक्सपीरियंस लाइफ में कभी बेकार नहीं जाता है। तो आप अपनी पढ़ाई में कोई भी विलंब ना बनाइए और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी जो है उसे बनाए रखिए। चलिए देखते हैं इसी के रिगार्डिंग छात्रों का क्या है कहना। छात्रों की दलील है कि कोरोना काल में हर जगह हर छात्र के लिए परीक्षाओं में शामिल होना संभव नहीं है। मानते हैं कि परिस्थितियां बहुत बिकट हैं और ऐसी कठिन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित करना भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का रिस्क है, लेकिन परिस्थितियों के चलते विवश होकर हालात से समझौता करना भी समझदारी नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि परिस्थितियों के आगे निडर बनिए और इन पे विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए।